जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महान और मधुर नाम से मैं फिर से एक बार आपके पास आई हूँ। आइए वीडियो को शुरू करने से पहले हम अपने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाएं और उससे प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित प्रभु जीवित परमेश्वर, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, बड़ाई करते हैं, स्तुति करते हैं। इस समय आप हमें छोटी सी समय दिया है, आशीष दे प्रभु, अब हमसे बातें करें और हम हर एक जरूरतमंद लोग हैं प्रभु, सबों को आशीषित करें। सुनने वाले हमारे हर एक भाई बहनों को आशीष दे इन वचनों से प्रभु जी। मेरे जो छोटी सी मुंह से निकलता है, मैं कोई बड़ी प्रभु जी आपकी दासी नहीं हूँ, मैं प्रभु जी बहुत ही प्रभु आपके राज्य में छोटे से छोटी हूँ प्रभु, लेकिन आप दया करें और थोड़ा बहुत बातें उन्हें बताइए प्रभु जी, हमारे भाई बहनों को, ताकि प्रभु जी प्रभु वे अपने जीवन को ठीक ठाक करें, प्रभु यीशु मसीह की आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सके। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते सुनने और ग्रहण करें, आमेन। प्यारे भाई और बहनों, क्या आप जानते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत ही शीघ्र बादलों पर आने वाला है। सब कोई जानते हैं, हर विश्वासी भाई बहन ये बात को जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, चाहे प्रभु यीशु मसीह का सेकंड कमिंग, जो यूहन्ना 14 अध्याय का 1-2 वचन में लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत स्थान है, अगर नहीं होता तो मैं तुम्हें कह देता और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। तो मैं आपके ध्यान आकर्षण करना चाहूँगी 2 आयतों से, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का, और उसका हम देखेंगे 3 वचन में। मैं पढ़ती हूँ आपके लिए, इसीलिए स्मरण कर कि तू ने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहा और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊँगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूँगा। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि मैं चोर के नहीं आने वाला हूँ। और एक वचन आप देखिए, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 7 वचन, देखो वो बादलों पर बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे, हाँ आमीन। प्यारे भाई और बहनों, दो वचन है, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 7 वचन और 3 अध्याय का 5 वचन, 3 अध्याय का हाँ 5 वचन। तो ये दो वचन में कितना अलगाव है, अलग है। देखिए यहाँ पर प्रभु का वचन एक जगह लिखता है, मैं बादलों के साथ आने वाला हूँ और हर एक आँख उसे देखेगी। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, देख वो बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आँख उसे देखेगी। फिर यहाँ पर लिखा है कि मैं चोर की नहीं आने वाला हूँ। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन सेकंड कमिंग, वो दो पार्ट है, और एक पार्ट जो है प्रभु चोर की नहीं ही आएगा। प्रभु कह रहा है तू सचेत नहीं होगा तो मैं चोर के समान आ जाऊँगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। ये है रैप्चर है, जो कि विश्वासियों का उठा लिए जाने के बारे में बताता है। और प्रकाशित वाक्य में उसका आप देखिए, जो 7 कलीसिया को जो प्रभु कह रहे हैं, जो जैसा कि स्टार्टिंग से है, एफेसिस की कलीसिया, स्मुर्ना, फिर पिर्गमुन, फिर थुआतीरा, सर्दिस, फिलाडेल्फिया, फिर लाओदिकिया, ये सारी कलीसिया, और ये सब कलीसियाओं को स्मुर्ना कलीसिया का परमेश्वर का कोई प्रभु का डांट नहीं है, और प्रभु का बाकी सारी चर्च में और पिर्गमुन में, शायद पिर्गमुन में भी प्रभु का कोई डांट नहीं है, लेकिन आपका बाकी सारा जो 5 कलीसिया है वो सब कलीसिया में देखिए प्रभु का डांट है, जिसका कान हो वो सुने। प्रभु कहता है तू जीवित है लेकिन तू है मरा हुआ, तू कहता है मैं धनी हूँ तू कंगाल है, ये सब चीज़ क्यों कहा जाता है एक विश्वासी का। यहाँ पर देखिए स्मिर्ना कलीसिया में प्रभु का कोई भी उलाहना नहीं है। और उसके बाद पिर्गमुन में भी देखिए लिखा है, जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है वो ये कहता है मैं ये जानता हूँ कि तू जहाँ रहता है वहाँ शैतान का सिंहासन है, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने में उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा, और पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहना है क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो, यहाँ पिर्गमुन को भी प्रभु कह रहा है, और ऐसे ही सर्दिस कलीसिया को भी प्रभु कह रहा है, फिलाडेल्फिया कलीसिया को भी, सब कलीसिया को परमेश्वर ऐसे कह रहे हैं
और लौदीकिया जो कलीसिया है वो हमारा जो आखिरी पीरियड है, और प्रभु हर जगह हर कलीसिया के लोगों को प्रभु डांट लगा रहे हैं। तो ये आज विश्वासियों का जो स्पिरिचुअल कंडीशन को बताता है। प्रभु कहता है मनुष्य के पुत्र जब जगत में आएगा तो क्या विश्वास को पाएगा। आज हम देख रहे संसार में तो पाप बढ़ गया, और आज विश्वासियों का क्या हालत है। प्रभु कह रहा है तू एफेसिस में तो प्रभु का कहना है, देखिए तू अपना पहला प्रेम तूने छोड़ दिया है। एफेसिस कलीसिया में प्रभु कहता है और तूने अपना पहला प्रेम को छोड़ दिया। फिर पिर्गमुन में तो बोल रहा है कि बिलाम की शिक्षा में तुम चलता है। फिर थियोतिरा में भी प्रभु ने और उनको बहुत कुछ प्रभु बोल रहा है। तो ऐसे ही आज विश्वासियों का कंडीशन को प्रभु बता रहा है। क्या आज के दिन आत्मिक जीवन में प्रभु कहता है तू कहता तो है तू जीवित है लेकिन तू है मरा हुआ, तू कहता है तू धनी लेकिन तू कंगाल है। आज विश्वासियों का कंडीशन क्या है, विश्वासियों का जीवन क्या है। आज कॉम्प्रोमाइजिंग जीवन हम जीते हैं, और प्रभु का बातों को प्रभु की आज्ञाओं को सबको मालूम है लेकिन किसी ना किसी जगह में हम चुक जाते हैं। जैसा कि मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि मैरिज के लगाव में परमेश्वर के वचन पूरा पूरी हमको क्लियर कट कहता है विश्वासियों का अविश्वासियों का कोई मेल नहीं है। जैसा कि हम पहला कुरिन्थी में दूसरा कुरिन्थी में 6 अध्याय का और उसका 14 वचन में देखिए, वहाँ पर प्रभु का वचन क्लियर कट बोलता है 6:14 अविश्वासियों के साथ असामान जुए में ना जूतो क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। ये डायरेक्टली परमेश्वर यहाँ कहता है विश्वासियों का अविश्वासियों के साथ जुए में जूते ना जाओ। ये जुए में जूतने का मतलब है मैरिज को इंडिकेट करता है, और परमेश्वर आज विश्वासी अविश्वासी का मैरिज टोटली मना करता है। ऐसे में विश्वासी आज क्वेश्चन करते हैं प्रभु को, प्रार्थना करते हैं क्या प्रभु हम करें, क्या हम एक आत्मा को तो लाएंगे ना प्रभु। तो उस जगह ये तो कॉमन ऑर्डर है प्रभु का, स्टैंडर्ड ऑर्डर है, ऑलरेडी दे चुका है कि हो नहीं सकता, लेकिन हमारे विश्वासी लोग अगेन एंड अगेन टाइम एंड अगेन प्रभु से प्रेयर करते हैं। और कई जगह में ऐसा अविश्वासियों के साथ भी शादी कर लेते हैं और अविश्वासी को हम विश्वासी बना भी देंगे। मेरे मन में एक बार ऐसे क्वेश्चन है, सपोज हम अविश्वासी को विश्वासी उधार भी हो पा गया, लेकिन क्या वो प्रभु का इच्छा में है क्या। मैरिज के केस में मैरिज हमारा कैसा होता है, हम तो अविश्वासी के साथ टोटली हमारा मैरिज नहीं हो सकता। अगर विश्वासी में भी प्रभु का इच्छा जहाँ रहेगा, जहाँ प्रभु का वचन रहेगा, प्रभु का अगुवाई के अनुसार हमको मैरिज करना चाहिए। सो प्यारे भाई और बहनों, इसे बहुत सारी केस में आज हम विश्वासी लोग चुक जाते हैं, लेकिन आज मन मोटा हो गया, कठोर हो गया, और परमेश्वर को प्रभु कहता है तू कहता है तो तू धनी है लेकिन तू कंगाल है। आज क्या सिचुएशन, आज विश्वासियों का हालत क्या है। बहुत थोड़े लोग जैसा एलिया नबी निराश हो गया था, आज का सिचुएशन भी ऐसा है प्यारे भाई और बहनों। लेकिन परमेश्वर कहते हैं एलिया से तू क्यों निराश हो रहा है, मैं अपने लिए 7,000 नबियों को मैंने रखा है। आज परमेश्वर अपने लोगों को रखा है लेकिन बहुत थोड़े लोग हैं। प्यारे भाई और बहनों, क्या आज के दिन आज प्रभु के लिए आप चल रहे, क्या आपका दिया जल रहा है, क्या आपका दिया में तेल है। जैसा कि 10 कुंवारी की जो निर्बुद्धि और बुद्धिमान कुंवारी है, बुद्धिमान कुंवारी अपने साथ तेल लेके गए, क्या आपका दिया जल रहा है। क्या मसीह का जो रैप्चर का समय आएगा, क्या आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं मैं प्रभु के साथ जा सकता हूँ। क्या आप ऐसा कोई उलझे हुए पाप में तो आज उलझे हुए नहीं है, क्या आपके जीवन में ऐसा कुछ गुप्त पाप है, क्या आप उसको सेटल नहीं किए हैं, सेटराइट नहीं किए, क्या ऐसा कुछ पाप है जिसमें कि आप उलझे हुए हैं, लटके हुए। प्यारे भाई और बहनों, समय बहुत ही निकट है, हकीम द्वार पर है। 2 थिस्सलुनीकियों 4:17 के अनुसार हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा, आँख के पलकार में सब कुछ बदल जाएगा, और वो कब होगा उसका घड़ी प्रभु ने ही बताया है, ना स्वर्गदूतों को मालूम है, ना पुत्र को मालूम है, केवल पिता ही जानता है। सो प्यारे भाई और बहनों, क्या आज के दिन आप आत्मिक रीति से तैयार है, आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हाँ मैं आज प्रभु के, हे प्रभु यीशु मसीह आ, ऐसा प्रकाशित वाक्य में लिखा है प्रभु यीशु मसीह आ, क्या आप बोल सकते हैं। या संसार की बातों में आप उलझे हुए हैं, लूत की पत्नी को जैसा कह रहे हैं प्रभु कि पीछे की ओर दृष्टि ना करना, आगे की ओर देख के चले जाओ, तो वो पीछे की ओर मुड़ रही है, देख रहे मेरे घर, मेरे द्वार, मेरा धन दौलत। आज विश्वासी प्रभु के, प्रभु ने आपको कैसे बनाया था, तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है,
क्या भाई और बहनों, क्या वो पहला प्रेम आज के दिन है? कलिसिया ही प्रेम है, भाईचारा का प्रेम है, कलिसिया में आज ऐसा प्रेम है। इसीलिए प्रभु कह रहा है, तू मेरे लिए काम करता है लेकिन तेरे अंदर वो प्रेम नहीं है। आज परमेश्वर को हमारा एक ढोंगी जीवन है और जो कि प्रभु को अच्छा नहीं लगता, रूटीन लाइफ, हम प्रभु बोलते हैं व्यर्थ बलिदान मेरे पास मत लाओ, मैं उससे आगा गया हूँ। कौन कहता है तुम मेरे भवन को, तुम मेरे भवन को तुम रोंदो अपने मेल बलियों से, अपने होम बलियों से, क्यों तुम रोंदते हो? सो प्यारे भाई और बहनों, क्या आज के दिन हमारा जीवन आज कैसा है? क्या हम प्रभु के रैप्चर में, क्या हम जाने के लिए तैयार हैं? या संसार की बातों में आज के दिन हम उलझे हुए कि पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे, या प्रभु के वचन में, प्रभु के वचन को पढ़ के प्रभु के आने का बात हम जो रहे हैं? क्या प्रभु के साथ हमारा पर्सनल रिलेशन ठीक ठाक है? प्रभु के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध ठीक ठाक है? आज ये सवाल हमें अपने आप को करना चाहिए, हर एक विश्वासी का। क्या दूसरा, मैं आपके लिए बड़ी अच्छी वचन एक है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, दूसरा कोरिन्थी उसका 13 अध्याय और उसका 5 वचन को देखिए मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। अपने अंदर आप तुम जांचो, तुम्हारा अंदर यीशु मसीह है कि नहीं, अगर नहीं है तो तुम निकम्मे ठहरे। यहाँ देखिए, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। क्या यीशु मसीह आपके अंदर है कि नहीं? आप पाप कर रहे हैं कि नहीं? पाप आपका अंदर है, पाप आप छिपा के रखे हैं, ये कोई बोलने का आपको कोई आवश्यकता नहीं। आपका पाप आप खुद जानते, आपका गुप्त पाप को आप खुद जानते, आप हृदय का कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर में आप छिपा के भी रखें, उसको परमेश्वर जानता है। और प्यारे भाई और बहनों, हमें सब पापों को सेटराइट करना है, क्षमा मांगना है, अनकॉन्फेस्ड सिन नहीं रहना है। और प्रभु का मेज में हम जब भागीदार होते हैं, प्रभु भोज में हम जब जाते हैं, तो हम अपने आप को जांचते हैं। प्रभु कहता है अगर हम जांचते तो हम दंड ना पाते। प्यारे भाई और बहनों, आज हमें मनुष्यों को खुश करना नहीं, परमेश्वर को खुश करना है। प्रकाशित वाक्य में प्रभु कैसे कड़ाई से, महाजाजक की रीति से प्रभु कहता है, मैं बहुत ही शीघ्र आने वाला हूँ और मैं तुझे तू जाने नहीं पाएगा और मैं तुमको निकाल भी दूंगा। सो प्यारे भाई और बहनों, क्या आज के दिन प्रभु कहते हैं तू जीवित तो कहलाता है लेकिन है मुर्दा? क्या आज हम आत्मिक जीवन में ऐसे पाए जाते? क्या आज मुर्दा विश्वासी पाए जाते? मुर्दा विश्वासी से मुर्दा कलीसिया क्या हम पाए जाते? क्या हम भले और बुरे को हम डिस्टिंग्विश करने नहीं जानते? धर्म और अधर्म आज विश्वासी हर चीज को मिक्स कर देते, कॉम्प्रोमाइज लाइफ जी रहे, मिलावट कर दे रहे, लेकिन हमारा परमेश्वर था, प्रभु का काम है। फर्स्ट डे से परमेश्वर ने ज्योति को अंधकार से अलग किया, पानी को 2 भाग किया। हमारा परमेश्वर मिलावट का परमेश्वर नहीं है। जो मिक्स्ड जनरेशन, जो मिस्र देश से जो निकल के आए थे और उनके द्वारा कितने पाप इसराइल में, प्रभु ने अपने लोगों को चुना हुआ राजपदधारी याजकों का समाज बनाया। प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु आपका जीवन देख रहा है, आप क्या आज सचमुच तैयार है? क्या आप कह सकते हैं हे प्रभु यीशु मसीह आ? या आप संसार की बातों में आप उलझे हुए, संसार की भोग विलास, संसार के एंटरटेनमेंट, संसार के मौज मस्ती, खासतौर से जवानों के लिए ये पीरियड बहुत ही कठिन पीरियड है और शत्रु ने अपना बहुत ही चेष्टा में लगा हुआ है कि किस रीति से आज प्रभु के लोगों को धोखा में करे, धोखा में रखे, और जवान लोगों को और जवान बुजुर्ग हर किस्म के लोगों को वो अपने चतुराई में, अपने जाल में बांध के रखे। तो प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन हम अपने आप को जांचें, क्या हमारे हृदय में तेल है? हमारा अंदर क्या मसीसू है? क्या हमारे अंदर कोई गुप्त पाप है, कोई ढिठाई का पाप है? क्या हम पश्चाताप नहीं किए? क्या हमारे मन में बैर है, ईर्ष्या है, छल है, कपट है? क्या हम सेटराइट नहीं कर रहे? ये सारी चीजें परमेश्वर देख रहा है। और बहुत शीघ्र जब प्रभु आएगा तो कैसा आप जाएंगे प्रभु के साथ बादलों पर, और उस समय में आपको पश्चाताप करने का भी टाइम नहीं होगा। और इमीडिएटली जब मध्य आकाश में, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आएंगे और इधर से हम जाएंगे मध्य आकाश में, हम लोग का प्रभु के साथ हमारा भेंट होगा और मेमने का, वहां पर इमीडिएटली विश्वासियों का न्याय हो जाएगा। तो विश्वासी को और पाप क्षमा मांगने का और टाइम भी नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन अब बहुत ही दुख लग रहा है कलीसिया में, लोगों का हालत देख के, पाप किया, बुराई किया, बहुत लोग आज प्रभु जैसा बोल रहा है, तू कहता है जीवित है लेकिन मुर्दा, तू कहता है धनी है लेकिन तू कंगाल है, और तेरा आत्मिक दशा बहुत ही खराब है। आज जैसे जैसा प्रभु ने लिखा है वचन में, वो सारी हालत आज पाया जाता है।
सो प्यारे भाई और बहनों, हम सचेत हो जाएं और अपने प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए तैयार रहें। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित प्रभु जीवित परमेश्वर, आपके चरणों के तले आते हैं। आपने हमें जो वचन के द्वारा बातें किया प्रभु जी, उसमें आप आशीष दे और हमारे बीच में उपस्थित होइए प्रभु। हमारे सुनने वाले हर एक भाई बहनों को आशीष दे कि वे भी अपने जीवन को तैयार करें प्रभु यीशु मसीह के आगमन का बाट जो सके और सेट राइट करे और ठीक ठाक करे। कोई भी गुप्त पाप, ऐसे ही छिपा हुआ पाप को सब दूर करके प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार पाए जाए। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं, सुनिए ग्रहण करें। आमेन। जय मसीह की।